जय सियाराम। जयराम जी, लास्ट लास्ट क्वेश्चन। जयराम जी, मोहित दुबे हूँ न्यूज नेशन से। आपने 37 मिनट का भाषण, जयराम जी, राहुल जी नहीं, मतलब आप मुझसे जयराम कर रहे हैं या उनसे? राहुल जी, आप जय सियाराम। राहुल जी, आपने 37 मिनट का भाषण लोकसभा के भीतर दिया और 37 मिनट में सिर्फ आपको करीब 14 मिनट ही दिखाया गया, बाकी आपके चेहरे पे कैमरा नहीं था और आप मणिपुर गए, मैक्सिमम टाइम आपने मणिपुर के ऊपर बोला। इस परंपरा को आप किस तरीके से देखते हैं? पता नहीं, शायद कॉन्ट्रडिक्शन है, शायद पीएम मेरा चेहरा टीवी पे नहीं देखना चाहते मगर फिर पीएम मेरी वीडियो के बारे में बात करते हैं, तो पता नहीं क्या है, बट मुझे लगता है शायद उनको मेरा चेहरा टीवी पे देखना अच्छा नहीं लगता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने बोलना था, देखिए मुझे अपना काम करना है। मैं जानता हूँ कि मीडिया पे कंट्रोल है, लोकसभा राज्यसभा टीवी पर कंट्रोल है, वो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ, मगर मुझे अपना काम करना है, मैं अपने काम को करता हूँ। जहाँ भी भारत माता पर आक्रमण होगा वहां मैं आपको खड़ा मिलूंगा, भारत माता की रक्षा करते हुए मिलूंगा। हाँ, ओके, लास्ट क्वेश्चन ब्रदर। सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलरेडी सेड व्हाट इट हैज इन टर्म्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन एज वेल एज नाउ यू नो यू आर आस्किंग फॉर द आर्मी। Do you believe that Article 356 is the only way out? Or I'm not asking for anything. Please don't misunderstand. It is not my place to decide which tool the Prime Minister can use, which instrument he should use. I am pointing out that there are multiple instruments that the Prime Minister has at his disposal, and he is not using a single one. I'm pointing out that Manipur has been burning now for 4 months, and the Prime Minister is in a very good mood. He's sitting in parliament, he's laughing, he's joking, his entire cabinet is in giggles. This to me seems completely insane. This has got to stop. India is burning in Manipur. Idea of India has been destroyed in Manipur. Let's rebuild it quickly. Thank you. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।